डेंगू बुखार मच्छर से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। ये हल्के से शदीद तक अलामात की एक वसी रेंज का बाइस बन सकता है। ये अलामात आमतौर पर मुतासरा मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद जाहिर होती है। डेंगू बुखार की कुछ आम अलामात ये है। बुखार, तेज बुखार का अचानक आगाज, अक्सर 104 डिग्री फारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस इससे ज्यादा तक पहुंच जाता है। सर में शदीद दर्द, शदीद सर दर्द जिसे अक्सर ब्रेक बोन का ये खंजर की तरह दर्द के तौर पर बयान किया जाता है। आंखों के पीछे दर्द, दर्द या तकलीफ खास तौर पर आंखों को हरकत देते वक्त। जोड़ों और पट्ठों का दर्द, जोड़ों और पट्ठों में दर्द दर्द और तकलीफ का बाइस बनता है, इसलिए डेंगू को बाज औकात ब्रेक बोन फेवर भी कहा जाता है। थकावट, गहरी कमजोरी और थकावट जो अक्सर कई हफ्तों तक रहती है। जिल्द की रगड़, एक खारिश जो बुखार शुरू होने के चंद दिनों बाद जाहिर हो सकती है। ये आमतौर पर एक माइकोपैपुलर रीश सुर्ख या गुलाबी धब्बे होता है जो पूरे जिस्म में फैल सकता है। मतली और कह, मतली और उल्टी का एहसास बाज औकात पेट में दर्द के साथ। भूख में कमी, खाने की ख्वाहिश में कमी या भूख में कमी। हल्का खून बहना, कुछ लोगों को हल्के से खून बहने का तजुर्बा हो सकता है जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, आसानी से जख्म। प्लेटलेट की कम तादाद, ज्यादा संगीन सूरतों में डेंगू प्लेटलेट की तादाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कमी का बाइस बन सकता है जिसके नतीजे में खून बहना और पेटिचिया सतह के नीचे खून बहने की वजह से जिल्द पर छोटे सुर्ख अजामनी रंग के धब्बे हो सकते हैं। डेंगू हेमरजिक फेवर DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। संगीन सूरतों में डेंगू बुखार DHF और DSS तक बढ़ सकता है जो जानलेवा पेचीदगियां हैं। DHF में शदीद खून बहना, प्लेटलेट की तादाद में अचानक कमी और प्लाज्मा का इखराज होता है, जबकि DSS में खतरनाक हद तक कम ब्लड प्रेशर और झटका शामिल होता है। ये नोट करना जरूरी है कि अलामात की शिद्दत वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकती है। डेंगू बुखार के ज्यादातर केसेस हल्के होते हैं और उनका इलाज इमदादी निगदाश्त के साथ किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रेट रहना, काफी आराम करना और तकलीफ को दूर करने के लिए दर्द कम करने वाली अद्वियात सिवाय एस्पिरिन के लेना। ताहम संगीन सूरतों में खास तौर पर DHF और DSS में पेचीदगियों को संभालने और जानलेवा नतीज को रोकने के लिए फौरी तिब्बी तवज्जो बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like the video and please subscribe the channel.